हम लोग एक एनडीए का हिस्सा थे, हैं और आगे भी मजबूती के साथ रहेंगे। 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 में एनडीए 400 पार आएगी और बिहार में 40 में से 40 आएगी। जो विकास की बात करेगा, जो विचारधारा के साथ रहेगा, वो आएगा ही आएगा एनडीए में। नखरे वही लोग दिखा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग वही लोग कर रहे हैं जिनके विचार में खोट है। दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रहता है तो अंदर के लोग भी बाहर जा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी बैठक रखी गई थी और ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ है, बात करेंगे। सांसद प्रिंस राज खुद यहाँ पर मौजूद है, तो सर क्या कुछ बैठक में तय किया गया है और जिस तरीके से आज एक बड़ी बैठक रखी गई? आज हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रदेश बिहार प्रदेश कार्यालय में आज हम लोगों ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक हम लोगों ने रखी थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में रखी गई थी और कई अहम बिंदुओं पर बात हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बात हुई और आज हम लोगों ने सभी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं या बिहार संसदीय बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी हम लोग कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबके सहमति से आज हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः हम लोगों ने चुनाव किया और उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हम लोगों ने उन्हें मनोनीत किया। उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम लोगों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पशुपति कुमार पारस जी को हम लोगों ने अधिकृत किया है कि देश हित में पार्टी हित में जो भी वो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ एक सच्चे सिपाही की तरह खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ बात हुई? हम लोग एक एनडीए का हिस्सा थे, हैं और आगे भी मजबूती के साथ रहेंगे। हम लोग एक सिद्धांत के साथ रहते हैं, जैसे हमारे एनडीए के जो हमारे नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके विश्वास के साथ हम लोग हैं, उनकी सोच के साथ हैं, उनकी नीति नियत के साथ हम लोग हैं। जिस तरीके से हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनकी नीति नियत थी कि भाई गरीब शोषित पिछड़ा दलित उनका विकास हो, उसी तरीके से एनडीए इस मुहिम के साथ आगे बढ़ी है। अगर आप उदाहरण देखें, जब 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और जब 14 में जब वो प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने राष्ट्रपति बनाया एक ऐसी समाज से, फिर जब 19 में बन के आए तो उन्होंने राष्ट्रपति बनाया एक ऐसे समाज से, और उनके कैबिनेट में आप देखें एससी एससी ओबीसी के कितने सारे प्रतिनिधि वहाँ पे उन लोगों को मंत्रिमंडल दिया गया। तो इस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और जैसे हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से महिला आरक्षण हम लोगों ने सदन में पास किया, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। दलित पिछड़ा शोषित जो गरीब है जो प्रताड़ित है उसके लिए वो काम करते हैं और उन्हीं विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूर्व में भी कहा था कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है और इस बार 2024 में एनडीए 400 पार आएगी और बिहार में 40 में से 40 आएगी। जिस तरीके से एनडीए में अब जेडीयू पार्टी भी शामिल होगी, ऐसे में सीटों का जो फॉर्मूला है हमने पहले ही, आप लोग जब आते थे हमने पहले ही कहा था, जो विकास की बात करेगा, जो विचारधारा के साथ रहेगा, वो आएगा ही आएगा एनडीए में, वो अलग नहीं रह सकता है। अलग वही लोग हैं, नखरे वही लोग दिखा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग वही लोग कर रहे हैं जिनके विचार में खोट है, जिनके विश्वास में खोट है, उनको कुछ और चाहिए, मुंह में राम राम बगल में छुरी है। अच्छा, तो लग रहा है कि अब लग रहा है हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है, अभी आपके चाचा ने भी दावा कर दिया है कि हाजीपुर सीट से लड़ेंगे, उधर से भी लोग देखिए दावा करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो उनकी सीट है, कोई दावा करने की बात नहीं है। आप लोग जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब वो देते हैं, इसमें दावा की कोई बात ही नहीं है। आप इस पर ये सवाल उठ भी क्यों रहा है, किसके द्वारा उठाया जा रहा है, इस पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये है। आप अपने सिद्धांत पे निकले हैं, आप अपने विचारधारा पे निकले हैं, आपको जो बनना है, 20 में आप कुछ बनने के लिए निकले थे, 24 में भी निकलिए। सांसद बीना देवी नहीं नजर आई इसमें। हम लोग जितने भी यहाँ पे, सभी को हम लोगों ने निमंत्रण भेजा था, जो जो यहाँ पे आए सभी का हम लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश से हमारे ऑलमोस्ट सभी प्रदेश अध्यक्ष हम लोग यहाँ उपस्थित थे, हम लोगों के सभी प्रकोष्ठ के यहाँ पर अध्यक्ष उपस्थित थे, हम लोगों के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी हमारे माननीय सदस्य सब लोग उपस्थित थे। एक आखिरी सवाल है, लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि अब जो नीतीश कुमार है उनके लिए दरवाजे तो कभी बंद हुए ही नहीं थे, खुले हुए। हमने कहा वो बहुत बड़े नेता हैं, अभिभावक हैं और उनकी हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये बोला है तो हम कहेंगे दरवाज़ा बंद कर लें, क्योंकि दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खुला रहता है तो अंदर के लोग भी बाहर जा सकते हैं। अच्छा, ये थे हमारे साथ सांसद प्रिंस राज, जिससे हम बातचीत कर रहे थे क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी बैठक रखी गई और इस बैठक में क्या कुछ तय किया गया है, इनसे ही जान रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।